क्या कभी सोचा है, अगर हमारी लाइफ एक स्टेशन हो, हमारा प्यार हमारी ट्रेन, और हम उस ट्रेन के पैसेंजर जो उसके साथ उसके हर सफ़र में, उसकी हर खुशी में, उसके हर गम में उसके साथ रहना चाहते हैं। सो मैं था 9th क्लास में, और मेरी ट्रेन, आई मीन मेरी क्रश, मेरी क्लासमेट, उससे बातें करना और उसके साथ वक्त बिताना बस इतना काफ़ी था मेरे दिन को परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो मुझे प्यार था उससे, और जाहिर है मुझे ये बात उसे भी बतानी थी। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उस ट्रेन के रिलेशनशिप वाले डब्बे में डायरेक्ट चढ़ जाऊँ, आई मीन उसे कह दूँ कि मुझे प्यार है तुमसे, या फिर फ्रेंडशिप वाले डब्बे में। अब जैसा कि हमने बचपन से बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, प्यार की शुरुआत हमेशा दोस्ती से होती है, तो मैं फ्रेंडशिप वाले डब्बे में चढ़ गया। और अच्छा भी है, एक दोस्त की तरह मैं उसके करीब आ सकता हूँ, मैं उसे जान सकता हूँ और वो मुझे। अब फ्रेंडशिप वाले डब्बे से मेरा और उस ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ। बहुत हसीन था वो सफ़र, लड़ना झगड़ना, हंसी मजाक, ट्रस्ट, ये कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये सफ़र बस यूं ही चलता रहेगा। 10th स्टार्ट हुई, 1 साल हो गया, फ्रेंडशिप वाले डब्बे में मुझे अच्छा ज़रूर लगता था, मगर मुझे उस रिलेशनशिप वाले डब्बे में भी आना था एक बार, कम से कम उससे पूछना तो था, क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो, उसका जवाब सुनना था। अगर हाँ तो वो हुआ जो मैं चाहता था, अगर ना तो कोई बात नहीं, मैं इस फ्रेंडशिप वाले डब्बे में भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। हाँ जानता हूँ फिर हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी, मगर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा पूरी तुम्हारे साथ हमेशा एक दोस्त की तरह इस सफ़र में चलने की। उसका बर्थडे आ रहा था, मैंने सोचा उसे उस दिन कहता हूँ। मैंने उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लिया, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ब्रेसलेट मैंने उसके लिए ले लिया। उसका बर्थडे आया, मैं उसे वो ब्रेसलेट पहना रहा था। वो खुश नहीं थी, इसलिए नहीं कि उसे अच्छा नहीं लगा, वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी, नज़रें झुकाए मेरे उसे कहने का वो 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। पर मैंने नहीं कहा, पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो चाहे प्यार करती हो पर फिर भी कभी उस समय पे हाँ नहीं कहती, वो हमेशा कहती है कि सोच कर बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज उसका स्पेशल डे है, वो आज का पूरा दिन बस मेरे बारे में सोच कर बिताएगी, इससे अच्छा आज का दिन वो एंजॉय करे। मेरा क्या है, मैं उसे कभी और कह लूँगा, एक अच्छा सा स्टेशन पे उतर कर, मतलब एक अच्छा सा मौका देख उसे कह दूंगा। कुछ समय और बीता पर वो स्टेशन नहीं आया, और इस बीच उस ट्रेन को एक नया पैसेंजर मिल गया। मैं फ्रेंडशिप वाले डब्बे में और वो रिलेशनशिप वाले डब्बे में। अब ये फ्रेंडशिप बहुत अजीब सी हो गई थी, कभी दूसरे पैसेंजर को कुछ परेशानी ना हो इसलिए वो मुझे नज़रअंदाज करने लगी थी। ये सफ़र जो मैंने सोचा था हमेशा तक का होगा, पर नहीं, ये तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। मैंने वो फ्रेंडशिप वाला डब्बा भी छोड़ दिया, और फिर उसने मुझसे कहा हम दोस्त रह सकते हैं बहुत अच्छे अभी भी, पर मैंने वो फ्रेंडशिप वाला डब्बा भी छोड़ दिया क्योंकि अब मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। सच में मैं उसे किसी और का होता नहीं देख पा रहा था। तो मैं उतरा स्टेशन पे, फ्रेंड जोन स्टेशन पे, जहाँ सभी फ्रेंड जोन हुए आशिक बस उस ट्रेन के वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी उसे एहसास हो ये दोस्ती नहीं प्यार था। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, अगर एक बार ट्रेन छूट जाए ना तो फिर वो वापस कभी नहीं आती।